हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे एमएससी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है उस पर, और उसमें भी अपन पहली यूनिट में जो रिकेटी इक्वेशन है उस पर अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें भी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन। देखो, एक तो इसका जो बेसिक फॉर्मेशन से रिलेटेड जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, ये कंडीशन अपन ने पढ़ी थी। या तो इससे रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो इसमें तो अपन ने जो एक सॉल्यूशन है वो क्या माना था, माइनस यू वन अपोन आर यू, ठीक है। इससे वाई वन अपन निकालते हैं और इसमें रख देते हैं, ये तो सीधी सीधी फॉर्मेशन है। और उसके बाद वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन, उसमें आपके पास वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन, यानी एक सॉल्यूशन अपन को दिया हुआ होगा। तो उसमें आपको y बराबर फोर एग्जाम्पल पी एक्स जो है वो दिया हुआ हो, ये u, u1 ये सारे क्या है, अक्ष के रूप में कोई फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव जो है वो इसमें हो सकता है। ये y बराबर पी एक्स अपन को दिया हुआ होगा, इस प्रकार की एक इक्वेशन अपन को दी हुई होगी। अपन यहाँ से क्या करेंगे, y बराबर पी एक्स प्लस वन अपॉन जेड जो है वो मान लेंगे। ये सॉल्यूशन जो है वो अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे। ये सॉल्यूशन जो है वो अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे। ये जो है वो आपको क्या होगा, गिवन होगा। ऐसे अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें जो एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन अपन करेंगे। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये सीधी सीधी फॉर्मेशन जो है वो ध्यान में रखनी है, दूसरा अपन को लास्ट में रिजल्ट मिलता है, जैसे आपके पास लीनियर इक्वेशन मिल सकती है या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसको अपन जो ये बीएससी की मैथ्स के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है बीएससी में, वहाँ पर इन सब के हल जो है वो अपन पढ़ते हैं, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो उनसे अपन क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये दो बातें जो है वो इसमें पूरी की पूरी जो रिकेटी इक्वेशन है उसको कवर कर लेगा। फिर टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन और थ्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन में छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सीधे सीधी जो फॉर्मेशन है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। तो अपन जो है वो क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से अपने पास बनेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आज की क्लास का, सोल्व डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन बाई टू वाई स्क्वायर, गिवन दैट एक्स प्लस वन अपोन एक्स इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कंडीशन अपन को दे रखी है, क्वेश्चन वापस चेक कर लेते हैं। टू प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन अपोन एक्स वाई माइनस वन बाई टू वाई स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे अपन को समझ में आ गया कि वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन को गिवन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपन इसको हल करेंगे। ये आपके पास dy by dx की जो फॉर्मेशन है p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, तो ये देखो y स्क्वायर के रूप में है, ये आपके पास जो है वो q के रूप में है और ये p के रूप में है। एक चीज़ का यहाँ और ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास p q r या ये तीनों जो पद हैं वो हों, लेकिन फॉर्मेशन इसी प्रकार की हो सकती है। जैसे p प्लस आर वाई स्क्वायर है, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, q बराबर क्या है, जीरो है। अगर कहीं भी इसकी वैल्यू की जो है वो आवश्यकता पड़ती है तो q बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। या मान लीजिए कि r की कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास जनरल, इन जनरल आपके पास इनसे छोटा ही होगा। तो
कैलकुलेशन बड़ी होगी, क्वेश्चन बड़ा बनेगा, इसके रूप में जो है वो तीनों पद आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये इसमें आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, गिवन इक्वेशन जो है वो अपन को क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन बाई टू वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर जो है वो ऊपर है, वन बाई टू और वाई स्क्वायर। अब आपके पास गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज वो y बराबर आपके पास क्या है, x प्लस वन अपॉन x। यहां से आप y1 अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, x के जो x जो है उसका डेरिवेटिव आपके पास 1 माइनस वन अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है? x की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस वन, और माइनस वन देखो x की पावर माइनस वन, तो माइनस x माइनस वन माइनस वन, तो माइनस अक्स की पावर माइनस टू, तो माइनस वन अपॉन अक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल साधारण सा है ये, तो डायरेक्ट भी याद है आपके। इसको इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू, और इसको इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये डी वाई बाई डी एक्स जो है वो वाई वन के बराबर भी अपन एक ही बात है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि गिवन पर्टिकुलर सोल्यूशन इज ये, लेट ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा आपके पास, वो ही वाई वन की कंडीशन या वाई की कंडीशन को ले लीजिए, तो अपन क्या लिखते हैं, पी एक्स प्लस वन अपॉन जेड। तो यहां पी एक्स के रूप में कौन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड। ये इक्वेशन नंबर अपने पास कौन सी, चार। अब यहां से वाई वन निकालेंगे तो y1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब z के लिए 1 अपॉन z की जो कंडीशन है वो बनेगी, तो जो ही अपन हर बार करते आ रहे हैं, तो ये माइनस z1 अपॉन z स्क्वायर। क्लियर है कि आपके पास 1 अपॉन z का तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, और जो z है उसका z1। ये फॉर्मेशन अपने पास बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, पांच दे दो। अब इक्वेशन चार और पांच किस में रख दोगे, इक्वेशन एक में, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर एंड फाइव इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये जो अपन सॉल्यूशन मान रहे हैं इससे अपन को क्या करना है, कंडीशन बनानी है किसकी, वाई और वाई वन की, और इसमें जो है वो रख देनी है। क्लियर है? अब देखिए y1 की जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, ये 1 है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस z1 अपॉन z स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू आपके पास 2 प्लस 1 बाई टू x माइनस 1 अपॉन x, y की जो वैल्यू है वो आपके पास x प्लस 1 अपॉन x प्लस वन अपॉन जेड, ये कंडीशन बनेगी। फिर माइनस वन बाई टू वाई स्क्वायर, तो वन बाई टू और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड का होल स्क्वायर। कंडीशन जो है वो अपन ने लिख ली। यहां से अब देखो, वन है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर। फिर यहां से आपके पास टू ऐसा का ऐसा प्लस, इसको जो है मल्टीप्लाई करो, तो देखो अक्स को मल्टीप्लाई किससे करोगे, अक्स को मल्टीप्लाई अक्स से, तो अक्स स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर बाई टू, टू भी साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अक्स को वन अपॉन अक्स से, तो वन, तो ये होगा वन बाई टू। फिर अक्स को जेड से, वन अपॉन जेड से, तो प्लस अक्स अपॉन टू जेड। समझ गए बात को, टू को भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर माइनस वन अपॉन एक्स को,
तो ये आ जाएगा माइनस, ये तो वन हो जाएगा और ये माइनस वन बाई टू, फिर यहां से माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास माइनस वन अपॉन टू एक्स जेड, क्लियर है, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। फिर माइनस वन बाई टू वाई स्क्वायर, तो वन बाई टू की कंडीशन जो है उसको तो बाहर ले लो और इसको जो है वो हल करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो कितना आ जाएगा, टू, टू ए बी का मतलब टू, फिर आपके पास एक्स अपॉन जेड, तो प्लस टू एक्स अपॉन जेड, फिर प्लस टू अपॉन एक्स जेड, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए, अभी टू जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो यही करवा देते हैं अपन, यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, या एक स्टेप और लिख लो, जो कंडीशन हल हो रही है उसको हल भी कर दो साथ साथ, ये वन बाई टू से वन बाई टू जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है, तो यहां आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स अपॉन टू जेड माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस जो है वो सब मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन अपॉन टू जेड स्क्वायर, यहां ये टू टू क्या हो जाएगा वन, तो माइनस वन माइनस एक्स अपॉन जेड और माइनस वन अपॉन एक्स जेड, ये कंडीशन, ये तीनों टू जो है वो तो इसे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दो तीन टू जो है वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कंडीशन बनेगी। अब देखो, पहले तो जो आपके पास ये टू है, टू की कंडीशन है और यहां पर फिर माइनस वन, तो कितना बचेगा, वन बचेगा और इधर जो है वो आपके पास क्या है, वन, तो ये टू और ये तीनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखो वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर यानी आधा एक्स स्क्वायर तो यहां है और आधा एक्स स्क्वायर यहां है, तो कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो ये इन ये जो है वो तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। यहां एक्स स्क्वायर बाई टू है, यहां एक्स स्क्वायर बाई टू है, ठीक है, एक्स अपॉन टू जेड, ऐसी कोई फॉर्मेशन जो है वो नहीं है, हाँ ये माइनस एक्स अपॉन जेड है और ये एक्स अपॉन टू जेड है, तो ये आपके पास माइनस एक्स अपॉन टू जेड जो है वो बच सकता है, ठीक है, ये टू एक्स जेड है और ये आपके पास एक्स जेड है, तो ये आपके पास एक और एक बटा दो तीन बटा दो हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी जो फॉर्मेशन है ये वाली जो है वो और बनेगी, तो देखो ये आपके पास माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू जेड और माइनस एक्स जेड, ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस वन अपॉन टू एक्स जेड, ठीक है, इसका काम जो है वो हो गया, इसका काम हो गया, फिर ये माइनस एक बटा दो एक्स जेड, ये माइनस का तीन बटा दो एक्स जेड हो जाएगा, ये फॉर्मेशन गलत लिख ली, यहां पर क्या है, ऊपर एक्स है, ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन है वो बची हुई है, माइनस वन अपॉन टू जेड स्क्वायर, ये कंडीशन अपने पास मिल जाएगी, क्लियर है, पूरी की पूरी फॉर्मेशन जो है वो माइनस में अपन को मिल जाएगी, माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू एक्स जेड माइनस वन अपॉन टू जेड स्क्वायर, बिल्कुल सही है, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो सिक्स, क्लियर है, ये प्रोसेस अपनाना है, क्या करना है, वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन को दिया हुआ है,
फिर अपन को एक सॉल्यूशन मान लेना है जो अपन हर क्वेश्चन में सेम तरीके से मानेंगे, तो याद रख लोगे। फिर जो है वो आप y1 निकाल कर इसमें वैल्यू रखनी है। अब आगे चर्चा करते हैं। इसको हल करो तो इस z1 को उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा z1 अपॉन z स्क्वायर माइनस x अपॉन 2z माइनस 3 अपॉन 2xz माइनस 1 अपॉन 2z स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसमें एलसीएम जो आएगा वो ले लो आपके पास 2xz स्क्वायर, क्लियर है, ये सब में है 2xz स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर है तो ये कंडीशन बनेगी 2xz1 माइनस 2z, तो इसमें बचेगा आपके पास xz, तो माइनस x स्क्वायर z, फिर माइनस 2xz, ये बचेगा 3z, ठीक है, फिर 2z स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस का x इज इक्वल टू जीरो, समझ गए बात को। अब ये जो है वो जीरो की चपेट में चला जाएगा और x जो है वो इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 2z1 माइनस xz, अब z भी इसमें आप कॉमन ले सकते हो, तो माइनस तो इसमें कॉमन ले लो और z कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा x, इसमें जो है वो x नहीं है, कहां थे अपन, z कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया x, माइनस, यहां माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और 3 अपॉन क्या आ जाएगा x, ठीक है, और माइनस 1 इज इक्वल टू जो है वो 0 आ जाएगा, ये फॉर्मेशन जो है वो अपने पास बनेगी 2z1 माइनस z की जो कंडीशन है वो आपके पास इसमें बन जाएगी, क्लियर है। थोड़ा सा इसको और हल करो एक बार, 2 की फॉर्मेशन जो है उसको काम में ले लो, या ऐसे समझ लो 2z1 माइनस z, यहां पर जो है वो x एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 की जो फॉर्मेशन है 2z1, यहां पर अपने पास 2z स्क्वायर था तो x की फॉर्मेशन जो है वो इसमें आ जाएगी, सही है। अब देखो z1 माइनस z, 2 जो है वो इसमें अपन ने क्या लिया है, 2 का भाग दे रहे हैं अपन, तो x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन जो है वो अपने पास बननी चाहिए। z1 माइनस z, 3 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 3 ए की बात है, अपॉन 2x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेशन अपन को मिलेगी। तो ये क्या आ गई अब आपके पास, दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपन इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। बस कैलकुलेशन जो है वो इसमें टिपिकल है, बाकी चीजें बिल्कुल एज टीज हैं, सेम हैं, आपको कोई दिक्कत जो है वो इसमें नहीं आएगी। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा, ये वाली कंडीशन लेते हैं अपन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या आ जाएगा, फिर e की पावर माइनस लेना चाहो तो इसको माइनस को भी जो है वो साथ में ले, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2x और dx, ठीक है, हल करोगे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, तो ये वापस ये वाली कंडीशन जो है वो अपने पास बनेगी, क्या बनेगा यहां पर x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2x, क्लियर है, फिर आपके पास dx और माइनस जो है वो इसमें साथ में चल रहा है, ठीक है।
अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो e की पावर माइनस 3/2 एक्स, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, और फिर आपके पास जो कंडीशन है वो आ जाएगी माइनस एक्स बाई टू, और क्या आ जाएगा dx। अब या तो क्या करो, e की पावर को अलग अलग रख लो, तो अलग अलग जो आपके पास इसमें कंडीशन बन जाएगी, या जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर दो, हल कर दो। तो ऊपर वाली जो ये कंडीशन है इसका क्या करना है अपन को, समाकलन करना है। तो आपके पास e, अब ये क्या आ जाएगा माइनस 3/2 अक्ष का क्या आ जाएगा माइनस 3/2। अब 1/ अक्ष का लॉग अक्ष, तो ये कंडीशन आपके पास क्या बन जाएगी, लॉग अक्ष। क्लियर है? फिर माइनस अक्ष बाई टू का क्या हो जाएगा आपके पास, अक्ष बाई टू का अक्ष स्क्वायर अपॉन जो है वो 4, ये कंडीशन जो है वो इसमें बनेगी। अब यहां से जो है वो इसको हल करोगे तो e की पावर फिर लॉग और एक्स की पावर माइनस 3/2, ये 3/2 जो है वो कहां चली जाएगी, पावर में, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। यहां से तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर माइनस का 3/2, और ये इसी के साथ फॉर्मेशन रहेगी, तो ये बनेगा आपके पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। इसको देखो ऐसे लिखेंगे, e की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस 3/2 और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, समझ गए बात को, ये अपने पास एक कंडीशन बनी है। अब फॉर्मेशन क्या होती है आपके पास, किसी भी प्रकार का इस प्रकार की फॉर्मेशन हो तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर आपके पास ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसके साथ कोण आता है, r आता है, और फिर आपके पास उसी प्रकार से जो है वो अवकलन यानी dx की फॉर्मेशन या जो भी अपन को मिलता है। तो अपन उस हिसाब से क्या करेंगे, जेड और एक्स की पावर माइनस 3/2 और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, फिर आपके पास समाकलन, और ये r जो है वो हमेशा इस तरफ होता है, तो इधर जाते ही ये 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये 1/2 की कंडीशन आ जाएगी, और एक्स की पावर माइनस 3/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और जो है वो dx, ये 1/2 चाहो तो क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। ये आपके पास एक कंडीशन जो है वो इसमें मिल जाएगी। आंसर अपन चाहे कर लेते हैं, एक्स की पावर माइनस 3/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और यही फॉर्मेशन मिल रही है। अब जेड को जो है वो आगे लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो जेड इज इक्वल टू, इस फॉर्मेशन को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये आपके पास सॉरी मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, और इंटीग्रेशन में क्या है एक्स की पावर माइनस 3/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब प्लस सी की कंडीशन लेना चाहो तो वो आ जाएगी। ये आपके पास क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं। देखो क्वेश्चन आसान है, फॉर्मेशन सेम है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करने का खुद प्रयास करोगे, कहां पर कौन सी कंडीशन जो है वो लग रही है। अब जैसे यहां पर अपन को रिजल्ट मिला, मैं कह देता कि आगे बीएससी का पार्ट है, इस इक्वेशन को हल कर लेना, तो ये पूरा प्रोसेस आपको खुद करना होता, ठीक है। तो जब तक इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें नहीं हो पाएगी। अब अपन चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को दे रखी है 2x² dy/dx।
एक्स माइनस वन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, टू एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन को नहीं दिया गया है, ठीक है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको रिकेटी इक्वेशन में अपन को चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन में या तो लैंग्वेज मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तब तो आपको सीधा सीधा हल करना है, या आपको लैंग्वेज इस प्रकार की मिलेगी कि जिसमें आपको लैंग्वेज में अगला जो है वो उलझाने का प्रयास करेगा। तो आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो रिकेटी इक्वेशन की फॉर्मेशन किस प्रकार बनेगी, या तो दी हुई होगी या पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इसको डीवाई बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। वही डीवाई बाई डी एक्स बराबर पी प्लस क्यू वाई प्लस आर स्क्वायर, उस रूप में चेंज करेंगे। तो डीवाई बाई डी एक्स, अब पी प्लस क्यू वाई प्लस आर स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की ये फॉर्मेशन है, तो थोड़ा इसको चेंज करते हैं, एक्स माइनस वन और वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये टू से टू कैंसिल आउट, एक्स से एक्स, तो वाई अपॉन एक्स, ये वाई वाली फॉर्मेशन आ गई। ये आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस वन बाई टू, ये पी वाली फॉर्मेशन आ गई और ये आर वाली फॉर्मेशन आ गई। तो सिंप्लीफाई करके लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, प्लस वाई अपॉन एक्स और प्लस एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर और ये टू एक्स स्क्वायर साथ में अपॉन में और ये मल्टीप्लाई में, क्लियर है। ये कंडीशन अपने पास बन जाएगी, डीवाई बाई डी एक्स की जो कंडीशन है वो आपके पास ये बन जाएगी। अब इसकी तुलना किससे करवाओगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, इक्वेशन नंबर एक तो इसको दे दो और इसको दो। यहां से रिकेटी इक्वेशन अपन क्या जानते हैं, रिकेटी इक्वेशन अपन जानते हैं कि डीवाई बाई डी एक्स बराबर पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। तो यहां से p बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू, क्यू बराबर आपके पास वन अपॉन एक्स और r बराबर जो है वो आपके पास एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। समझे बात को, ये p का मान यहां क्यू वाई लिखा जाता है, यहां r वाई स्क्वायर, तो ये मान अपन को जो है वो मिल गए, क्लियर है। अब लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो अपन को इक्वेशन दी गई है उसका अपन क्या मान रहे हैं, सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन अपन क्या मानते हैं, वाई बराबर माइनस यू वन अपॉन आर यू। तो क्या मिल जाएगा, वाई बराबर माइनस यू वन, ये यू और यू वन जो है वो एक्स के फंक्शन है, तो माइनस यू वन अपॉन आर का जो मान है वो क्या है, एक्स माइनस वन और अपॉन टू एक्स स्क्वायर। तो टू एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, यू की फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो ये क्या फॉर्मेशन बन गई अपने पास, माइनस यू वन अपॉन यू, इसको इस प्रकार से लिख लो, देखो माइनस यू वन अपॉन यू टू एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस वन। अब यहां से क्या निकालेंगे, वो वाई वन, प्रोसेस क्या रहेगी, प्रोसेस ये रहेगी कि जो वाई वन और वाई के जो मान है वो फिर कहां रखेंगे, इस समीकरण में जो है वो रख देंगे। तो देखो वाई वन, इसके लिए वाई वन निकालेंगे तो यू इंटू यू अपॉन वी जो है उसकी कंडीशन से, तो यू स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस जो है वो क्या ले लोगे, बाहर ले लोगे, और ये जो आपके पास फॉर्मेशन है तो वही u इंटू वी के अकॉर्डिंग, तो ये ऐसा का ऐसा, तो u x माइनस वन ऐसा का ऐसा,
फिर यहां से फिर u इंटू वी से होगा, तो एक बार u1 का कर दो, एक बार 2x स्क्वायर का कर दो, तो u1 का करोगे तो क्या आ जाएगा u2, और 2x स्क्वायर जो है वो ऐसा का ऐसा, क्लियर है। फिर देखो, फिर प्लस का निशान u x माइनस वन ऐसा का ऐसा, u1 का अपन कर चुके हैं, इस बार किसका करेंगे 2x स्क्वायर का, तो क्या होगा आपके पास 4x, क्लियर है, ये फॉर्मेशन बनेगी। फिर आपके पास माइनस का चिन्ह, और ये जो फॉर्मेशन है वो ऐसी की ऐसी, तो u1 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, फिर अपन u का करेंगे तो क्या आ जाएगा u1, तो u1 पहले से है तो u1 स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस वन, फिर प्लस का निशान आता है और इसमें माइनस पहले से है तो यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास ये u1 और 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, फिर अपन ये जो फॉर्मेशन है इसका कर रहे हैं तो u का तो कर चुके हैं यहां पर u1, तो u ऐसा का ऐसा और x माइनस वन का कितना होगा 1, तो ये फॉर्मेशन अपन को मिल जाएगी। क्या समझे, देखो ये एक्चुअल में क्या है आपके पास, एक्चुअल में ऐसे समझ लो कि जो u अपॉन v की फॉर्मेशन है, ठीक है, और u अपॉन v में भी क्या है u1 u2 और v1 v2 इस प्रकार से है, तो अपन क्या करेंगे v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर एक तो ये लिखेंगे, फिर v1 और v2 जो है वो ऐसा का ऐसा, फिर u1 डैश और u2 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस, फिर v1 v2 तो ऐसा का ऐसा, और u1 का पहले कर चुके हैं तो u1 को तो छोड़ दो और u2 डैश, फिर माइनस, फिर आपके पास अब v1 v2 का करेंगे तो u1 u2 ऐसा का ऐसा, और फिर आपके पास जो है वो v1 डैश और v2 ऐसा का ऐसा, फिर ये माइनस जो है वो पूरे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, फिर u1 u2 जो है वो ऐसा का ऐसा और v1 ऐसा का ऐसा और v2 डैश, इस प्रकार से ये फॉर्मेशन अपन ने काम में ली है, तो पूरे को जो है वो अपन ने हल किया है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, u स्क्वायर x माइनस वन का होल स्क्वायर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो और सिंप्लीफाई करते हुए इसको लिख लो, माइनस 2x स्क्वायर x माइनस वन u और u2 प्लस 4x x माइनस वन और u u1। अब ये देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में, यहां पर आपके पास 2x स्क्वायर x माइनस वन और u1 स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर u u1, ये कंडीशन अपने पास बन जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई y1 की। तो अब कहां थे अपन, दो, ये इक्वेशन नंबर तीन और ये इक्वेशन नंबर चार। अब आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन तीन एंड चार इन इक्वेशन, इसमें इन इक्वेशन सेकंड, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी, क्लियर है। अब देखो y1 की जगह ये वाली फॉर्मेशन बनेगी, यहां पर dy by dx y1 ही तो होता है, तो y1 बराबर तो ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन, और आगे जो है वो इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस y1 को तो ऐसा का ऐसा रहने दो, बाद में वैल्यू रख लेंगे, पहले इसको हल करते हैं। तो माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू, देखो इधर, प्लस वाई अपॉन एक्स, तो वाई का मान क्या है, ये वाला नीचे है एक्स, तो देखो ये आ जाएगा माइनस यू वन टू एक्स स्क्वायर और यू एक्स और एक्स माइनस वन, क्लियर है, प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की फॉर्मेशन ये आएगी, यू वन स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, फिर आपके पास फोर एक्स की पावर चार
और अक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कंडीशन जो है वो इसमें क्या होगी, बन जाएगी। क्लियर है? अब देखो यहां से अक्स की फॉर्मेशन कैंसिल आउट होगी और यहां से अक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन जो है वो कैंसिल आउट होगी। क्लियर है? बाकी जो फॉर्मेशन टू की फॉर्मेशन है यहां पर, वो फॉर्मेशन जो है वो रहेगी। तो अपन पहले इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, माइनस प्लस का जो है वो ध्यान रखते हुए अपन को चलना है। वाई का मान माइनस में है, यहां माइनस का जो है वो फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो अपन इसको थोड़ा हल करते हैं। y1 बराबर माइनस अक्स माइनस वन बाई टू माइनस यू वन, टू अक्स कर लो इसको, क्या कर लो, टू अक्स अपोन यू अक्स माइनस वन। फिर आपके पास प्लस अक्स माइनस वन, ठीक है। देखो अक्स माइनस वन से ये कट रहा है, लेकिन अपन इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि इस साइड में वाई वन के साइड में आपके पास ये कंडीशन आएगी, तो यहां अक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सीधा सीधा अपन को मिलेगा। तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दें। तो ये अक्स माइनस वन और यू वन स्क्वायर अपोन टू अक्स स्क्वायर को आप काट सकते हैं, टू अक्स स्क्वायर काट दे तो ऊपर क्या बचेगा, टू अक्स स्क्वायर। तो यह आ जाएगा टू अक्स स्क्वायर और नीचे यू स्क्वायर और अक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जो कंडीशन एलसीएम आ रही है उसको ले लें, एक तो 2 आ जाएगा, एक यू स्क्वायर और एक x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो u स्क्वायर और x माइनस वन का होल स्क्वायर जो है वो यहां होगा, ये y1 यहां लिखा जाएगा, तो ये आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो 2 जो है वो आपके पास इसमें रहेगा, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, u स्क्वायर के रूप में u स्क्वायर और माइनस अक्स माइनस वन का क्यूब माइनस यू अक्स माइनस वन। तो यू अक्स माइनस वन, एक तो टू ही आ जाएगा इसमें, फोर अक्स और यू यू वन और अक्स माइनस वन, सही है, और प्लस यू स्क्वायर अक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये कंडीशन जो है वो इसमें मिल जाएगी और टू जो है वो इसमें रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, फोर अक्स स्क्वायर यू वन स्क्वायर और अक्स माइनस वन। क्लियर है? ये कंडीशन बनेगी। अब इधर क्या आपके पास वाई वन, अब वाई वन की जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को, ये वाली जो फॉर्मेशन है उसको यहां रखो। तो देखो समीकरण दो से, तो बाई इक्वेशन सॉरी चार बाई इक्वेशन फोर, अब आपके पास y1 बराबर क्या है, माइनस सॉरी माइनस टू अक्स स्क्वायर अक्स माइनस वन यू यू टू माइनस फोर अक्स अक्स माइनस वन और यू यू वन प्लस टू अक्स स्क्वायर अक्स माइनस वन यू वन स्क्वायर। प्लस टू अक्स स्क्वायर यू यू वन अपोन जो है वो क्या आ जाएगा, टू यू स्क्वायर अक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसके बराबर में कौन आएगी, ये वाली जो कंडीशन है वो आपके पास बन जाएगी। ये देख लेना अपन ने सही लिखा है क्या। अब देखिए ये y1 इज इक्वल टू ये वाली कंडीशन, तो माइनस यू स्क्वायर अक्स माइनस वन का क्यूब माइनस फोर अक्स यू यू वन अक्स माइनस वन प्लस फोर अक्स स्क्वायर यू वन स्क्वायर माइनस अक्स माइनस वन अपोन टू यू स्क्वायर अक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये टर्म जो है वो इससे कैंसल आउट होगी, इस तरफ जो है वो टू नहीं है, इस तरफ जो है वो टू नहीं है आपके पास,
ये अब टू जो है वो वन बाई टू वाला इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो इधर क्या आ जाएगा फोर, इधर आपके पास एट, और इधर जो है वो आपके पास फोर, और इधर जो है वो फोर, समझ गए। इस टू को भी मैंने क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, अब नीचे कोई फॉर्मेशन नहीं बची है। अब देखो कुछ टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो रही है, उसको तो कैंसिल आउट जो है वो कर दें। फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन और यू वन स्क्वायर, ये वाली टर्म जो है वो क्या हो रही है कैंसिल आउट, क्लियर है। अब देखो यू टू की फॉर्मेशन क्या है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन यू यू टू, यहां आपके पास माइनस फोर एक्स यू यू वन एक्स माइनस वन, माइनस एट एक्स यू यू वन एक्स माइनस वन, सेम कंडीशन है। तो इसको लेके आओ इस तरफ, तो वो आएगा प्लस का और ये है माइनस का, तो कितना बच जाएगा माइनस फोर एक्स यू यू वन और एक्स माइनस वन, इस टर्म का काम हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। अब केवल ये वाली टर्म जो है वो बची है और एक ये, तो ये भी यू वन की है, तो फोर एक्स स्क्वायर यू यू वन, ये इधर आएगा तो प्लस यू स्क्वायर एक्स माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा जीरो। अब ये वाली टर्म जो है माइनस फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन और यू का क्या दे दो भाग दे दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा यू टू माइनस, माइनस का भाग दे रहे हैं तो प्लस। अब देखो फोर का भाग देंगे तो फोर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर यहां एक्स है और यहां एक्स स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा नीचे जो है वो आपके पास एक्स आ जाएगा। यू का यू तक ही भाग देना है, यू टू का नहीं देना है, यू तक ही, ठीक है। तो यहां यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां यू वन बचेगा, ठीक है। यहां आ जाएगा फिर माइनस, क्योंकि माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब देखो फोर एक्स स्क्वायर जो है वो फोर एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, यू भी कैंसिल आउट, और यू वन अपोन यहां एक्स माइनस वन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स माइनस वन बच जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा फिर माइनस का भाग देने तो माइनस, एक्स माइनस वन यू स्क्वायर एक तो और एक एक्स माइनस वन की कंडीशन है, तो नीचे आ जाएगा माइनस ही ले लिया अपन ने फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ऊपर एक्स माइनस वन का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और एक बच जाएगा आपके पास यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, क्लियर है। ये कंडीशन बनेगी, थोड़ा इसको और हल करो, तो ये यू टू प्लस इसमें यू वन जो है वो कॉमन ले लो, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स और एक्स माइनस वन, तो इधर आपके पास एक्स माइनस वन और माइनस एक्स, ये कंडीशन आपके पास मिल जाएगी, एक्स से एक्स जो है वो कैंसिल आउट, और माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और फोर एक्स स्क्वायर और यू इज इक्वल टू जीरो, समझ गए। ये कंडीशन जो है वो अपने पास बनेगी। अब देखो यू टू माइनस यू वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, फिर ये माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर और यू इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन अपने पास बनेगी। कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, यू टू माइनस वन अपोन एक्स एक्स माइनस वन और यू वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपोन फोर एक्स स्क्वायर यू इज इक्वल टू जो जीरो। अब इसमें जो है वो सिर्फ अपन को क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। अब यहाँ से जो है वो बीएससी की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इतना काम अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये फॉर्मेशन जो है वो अपने पास क्या हो गई, बन गई। अब अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये फंक्शन किसका है एक्स का, यू जो है वो फंक्शन किसका है एक्स का, आप लिख सकते हैं यू इज फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन और डी यू अपॉन डी एक्स,
माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर और यू इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन जो है वो अपन इसमें इस प्रकार से, यानी इस समीकरण को जो है वो अपन इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। अब यहां से अपन देखो, वी नो दैट, बीएससी में आपने पढ़ा होगा कि डी टू वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है? पी डी वाई अपॉन डी एक्स की जो कंडीशन है वो अपने पास, और प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये कंडीशन जो है वो अपन जानते हैं कि ये समीकरण बनती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जो है वो आर की कंडीशन अपने पास बनती है, ठीक है? इस कंडीशन का हल कैसे निकाला जाता है? ये कंडीशन इसी प्रकार से है, जैसे यहां पर अपन पी का मान लिखना चाहें तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन, यहां से क्यू का मान रखना चाहेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, और आर जो है वो अपने पास जीरो। अब अपन यहां से करते क्या है, इसको जो है वो जेड में चेंज कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास ये कंडीशन बन जाती है डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन, ये कंडीशन अपने पास बनती है। कहने का मतलब ये है कि अपन इसको इस रूप में चेंज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर ये P1, Q1 और R1 जो है इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, तो जैसे आपके पास Q1 की वैल्यू अपन निकालें तो ये आता है Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो dz अपॉन dx भी नहीं है अपने पास, और Q की वैल्यू है केवल Q1 भी नहीं है, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू जो है वो अपन लेट कर लेते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है? फिर अपन इसी प्रकार क्या निकालते हैं, पी वन निकालते हैं, इसी प्रकार जो है वो आर वन निकालते हैं, ठीक है? फिर वो सारे मान निकाल कर इसमें रख देते हैं, और फिर वो समीकरण जो है वो एक छोटी सी समीकरण अपन को मिल जाती है, प्रोसेस है इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें अपन बीएससी में पढ़ते हैं, तो अपन इसको जो है इस प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे। अपन ये जो कंडीशन है उसको अपन इस प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे। पी क्यू आर के मान अपन ने जो है वो कंपेरिजन करवा कर निकाल लिए, अब देखिए Q1 सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, A, या इसको A दे दो और इसको दे दो B। V कन्वर्ट इक्वेशन B Z टू X, या y टू z कर लो, y टू z, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी जेड अपॉन डी एक्स, ये जो कंडीशन है वो अपने पास इस प्रकार आ जाएगी, प्लस क्यू वन जेड और इज इक्वल टू जो है वो आर वन। इस रूप में अपन ने क्या कर लिया, चेंज। अब यहां से अपन सिंस लगाकर लिख लो कि सिंस Q1 वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, लेट Q1 की वैल्यू अपन को यहाँ माननी होती है, अपन लेट कर लेंगे, तो Q1 बराबर अपन मान लेते हैं कि माइनस वन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, और ये इसके साथ में तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट, ये इधर आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और फोर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर लोगे, अंडर रूट ले लोगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन जो है वो टू एक्स, क्लियर है? यहाँ से आपके पास dz बराबर x माइनस वन
अपॉन टू एक्स और डी एक्स। अब ये डी जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू एक्स क्या होगा, वन अपॉन टू, ये वन अपॉन टू डी एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स डी एक्स। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो ये आपके पास डी जेड वन बाई टू बाहर डी एक्स माइनस वन बाई टू बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स, क्लियर है। तो ये आ जाएगा जेड बराबर एक्स बाई टू माइनस जो है वो वन अपॉन एक्स का क्या होगा लॉग एक्स, तो माइनस का जो है वो वन बाई टू और लॉग एक्स, ठीक है। और प्लस जो है वो आप इसमें सी ले सकते हो। ये जेड की वैल्यू अपने पास आ गई, जेड बराबर जो अपन को वैल्यू मिल गई, चेक कर लेते हैं हम, जेड बराबर एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस सी की जो कंडीशन है वो अपने पास मिल गई, ठीक है। इस प्रकार की फॉर्मेशन अपन को जो है वो इसमें मिलेगी। अब यहां से अपन क्या करेंगे, देखो इस वाली कंडीशन को अपन को ध्यान में रखना है, पूरी की पूरी फॉर्मेशन में अपन क्या करेंगे मान रखेंगे। तो ये पी क्यू आर, अब अपन क्या निकालेंगे, इसी फॉर्मेशन में डी जेड अपॉन डी एक्स भी अपन को मिला हुआ है। तो देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स। अब अपन यहां से क्या निकालेंगे, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, फिर टू एक्स ऐसा का ऐसा और एक्स माइनस वन का क्या होगा वन माइनस, फिर एक्स माइनस वन ऐसा का ऐसा और टू एक्स का टू आ जाएगा, ठीक है। तो टू एक्स माइनस टू, टू एक्स और फिर आपके पास प्लस टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर की जो कंडीशन है वो आ जाएगी वन बाई टू एक्स स्क्वायर। तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी, क्लियर है। अब देखो अब अपन निकालेंगे P1, तो P1 की कंडीशन जो है वो क्या होती है, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो Q1 का फॉर्मूला ये है, याद रखोगे P1 का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये होगा, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब p का मान ये है, ध्यान रखना, वन अपॉन माइनस एक्स और इंटू एक्स माइनस वन। तो देखिए यहां से p1 d2 z अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपन ने निकाल लिया, कितना आया वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस p का मान क्या है माइनस एक्स और एक्स माइनस वन, और डी जेड अपॉन डी एक्स क्या रहा वो एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स अपॉन जो है वो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, ये इससे जो है वो कैंसिल आउट होगा और ये क्या बनेगा, देखो वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर और ये भी वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आपस में कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। तो इसका मतलब पी वन बराबर क्या आ जाएगा जीरो जो है वो आ जाएगा, क्लियर है। P1 बराबर जो है वो क्या आ जाएगा जीरो। अब अपन क्या निकालेंगे, R1 की जो कंडीशन है वो निकालेंगे, तो R1 की जो फॉर्मेशन है वो ये होती है, R1 बराबर R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R का मान क्या मिला था पीछे जीरो, तो इसका मतलब R1 जो है वो कितना आ जाएगा जीरो, क्योंकि R बराबर आपके पास क्या है समीकरण में जीरो। तो ये P1, Q1 और R1 तीनों मान मिल गए, ये मान कहां रख दोगे, इस वाली कंडीशन में जो है वो रख दोगे। तो देखिए ये मान रखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ P1, Q1 और R1 इन इक्वेशन सी, ठीक है।
तो क्या कंडीशन बन जाएगी, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब पी वन का जो मान है वो कितना आया, जीरो, तो प्लस जीरो प्लस जीरो, सॉरी क्यू वन का मान अपन ने क्या लिया था, माइनस वन, तो माइनस जेड, और आर वन का मान जीरो। क्लियर है? तो ये कंडीशन आपके पास क्या बन जाएगी, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास डी स्क्वायर माइनस वन और जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से एम बराबर प्लस माइनस वन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा फिर, सी वन ई की पावर एक्स माइनस सी टू, सॉरी सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये वैल्यू, अब पी आई का मान इसमें क्या आता है, जीरो, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो सी एफ ही मिलेगा। तो आपके पास यहां से यू बराबर क्या मिल जाएगा, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। यू वन निकालोगे तो आपके पास सी वन ई की पावर एक्स माइनस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। यू और यू वन की वैल्यू आ गई, ये सॉल्यूशन मिला है। लास्ट में इस सॉल्यूशन को अपन यू के रूप में जो है वो लिखते हैं। अब देखो, इसमें यहां आने के बाद जेड की अपन को एक वैल्यू मिली थी, ठीक है, उस वैल्यू से आप वापस इसको एक्स के रूप में चेंज कर सकते हो, या जो है वो आप एक्स के रूप में चेंज ना करके जो है वो इसके जेड के रूप में जो है वो लिख सकते हो। यहां से अगर आप इसको सही फॉर्मेशन के रूप में लिखना चाहो तो ये जेड के रूप में आएगा। क्लियर है? ये जो फॉर्मेशन है वो किस रूप में आएगी, जेड के रूप में। अब जेड की जो वैल्यू है वो अपने पास किस रूप में थी, एक्स के रूप में थी, तो वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या थी अपने पास, देखो y की वैल्यू थी माइनस यू वन अपॉन आर यू, और r का जो मान है वो कितना मिला था शुरू में, r का जो मान है वो अपने पास था x माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस यू वन और u x माइनस वन, तो ये x माइनस वन तो नीचे रह जाएगा और ये टू एक्स स्क्वायर ऊपर। अब देखो माइनस यू वन, अब यू वन का मान कितना है, माइनस C1 e की पावर z माइनस C2 e की पावर माइनस z। U का जो मान है वो C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z, और ये जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी साथ में। एक तो आपके पास ये सीधा सीधा रिजल्ट जो है वो आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर है? ये कंडीशन अपने पास सीधी सीधी जो है वो इसमें मिल जाएगी। इस हिसाब से आप अगर इसको करना चाहो तो, और एक अपन को देखो, अभी अभी अपन ने पहले निकाला था जेड का मान, देखिए एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लोग एक्स प्लस सी, ये मान अपन ने निकाला था। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जेड का जो मान है वो यहां रखकर एक रिजल्ट जो है वो और निकाल सकते हैं। तो इतनी आवश्यकता नहीं है, आप यहां तक करते हो तो भी क्या है, सही है, और आप जेड बराबर ये मान रखकर इसको और हल करते हो तो भी सही है। उसमें चेंजमेंट क्या होगा, जो ये कॉन्स्टेंट वाले मान है उसको तो बदलकर कॉन्स्टेंट जो है वो बदल जाएंगे, और बाकी जेड की जगह फिर क्या आ जाएगा, एक्स की फॉर्मेशन आ जाएगी, और कंडीशन जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। जैसे ये लॉग वाली कंडीशन है तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, वन बाई टू, और ये यहाँ रखा जाएगा, फिर इसको हल करोगे तो एक नई टर्म जो है वो मिल जाएगी। लेकिन आपके पास ये जो है वो क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो जो इक्वेशन मिली थी कौन सी, वो पी वाली, इससे पहले वाली, वहां से आपको हल करने के अलग, अगर आपको तरीका अलग आता है तो भी सही है, आपको इस तरीके से करना है तो भी सही है। यहां आने के बाद अगर आप जेड को एक्स में चेंज करते हो या एक्स को जेड में चेंज करते हो, कोई दूसरा रिजल्ट मिलता है तो भी सही है। समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब यह है कि फॉर्मेशन सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। अवकल समीकरण जो लास्ट में मिलती है, जैसे इससे पहले जो पी वाली मिली थी, उसको प्रोसेस करने का, उसको हल करने का अगर आपके पास दूसरा तरीका है तो वो भी क्या है, सही है। किसी भी प्रकार से आपको इसको सिंप्लीफाई जो है वो करना है और हल करते हुए चलना है। ठीक है, बीएससी की जो फॉर्मेशन है उसको अपन
पूरा नहीं हल कर रहे हैं, अपन उस फॉर्मेशन को सिर्फ समझ रहे हैं कि इस प्रकार से जो है वो हल होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि बीएससी की जो कंडीशंस हैं या जो फॉर्मूले हैं वो आप अपने हिसाब से मैनेज इसमें करोगे। बाकी जो क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई दूसरा प्रोसेस पता हो तो आप उस हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, क्लियर। तो आज की क्लास में अपन ने दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से इनको तैयार करें। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।